हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं रिलायंस डिजिटल में, वाशी में, और अभी मैंने परचेस किया है गोप्रो 11 एक्शन कैम। तो इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखाऊंगा आपको बाद में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरद एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, ये है मेरा नया GoPro 11 और आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ और इसके साथ और क्या क्या एसेसरीज मैंने परचेस की है जो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक्चुअली ये मुझे गिफ्ट मिला है, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, रिसेंटली GoPro कंपनी ने ये GoPro 11 ब्लैक ये कैमरा लॉन्च किया है और गाइज, इसमें इतने सारे फीचर्स है कि ये किंग ऑफ द एक्शन कैमराज आप बोल सकते हैं। और ये मैंने परचेस किया है रिलायंस डिजिटल में से 51,500 और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी सेम प्राइस पे आप परचेस कर सकते हैं। तो अभी आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। सो गाइज, ये देखिए, ये है हीरो 11 ब्लैक और इसकी पैकिंग देखिए, और इसमें वन ईयर इंटरनेशनल प्लस वन ईयर इंडियन एक्सटेंडेड वारंटी, तो टू ईयर्स की वारंटी के साथ में आता है ये। और अभी हम इसको ओपन करते हैं तो ये कैमरा एक छोटे से बॉक्स में आता है जो कि ट्रैवल करते वक्त आप सेफली कैमरा को कैरी कर सकते। तो अभी इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइज, ये अभी मैंने बॉक्स ओपन किया है और जैसे ही ये बॉक्स ओपन करते तो सबसे पहले नज़र जाती है ये GoPro 11 कैमरा के ऊपर। और इस कंपार्टमेंट में क्या है देखते हैं। तो इसमें लिखा है योर कैमरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यू कैन यूज़ इट। तो पहले हमें क्विक ऐप से मोबाइल पे कनेक्ट करके इसे अपडेट करना पड़ता है। फिर ये कुछ स्टिकर्स है GoPro की और कुछ इंस्ट्रक्शंस है। फिर प्रो टिप्स फॉर बेस्ट कोल्ड वेदर परफॉर्मेंस और ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये बाद में देखेंगे। तो अभी इस कैमरा को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है योर कैमरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यूज़, और इस कवर को हम निकाल देते हैं और ये और एक कवर है इसे भी हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है GoPro 11 और इस कैमरा की स्पेशलिटी के बारे में बताऊं तो ये 5.3K अल्ट्रा HD वीडियोस रिकॉर्ड करता है। तो जस्ट सोचो, 4K वीडियोस की क्लियरिटी के बारे में तो आपको मालूम है, तो ये 5.3K वीडियोस रिकॉर्ड करता है। और ये एक वाटरप्रूफ कैमरा है जो 33 फीट अंडर वाटर भी आप शूट कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में भी LCD है, बैक में भी LCD है, तो व्लॉगिंग करते वक्त हम खुद को भी इसमें आराम से देख सकते ताकि अपनी पोजीशन हमें पता चले। तो इसे साइड में रख देते। तो इस बॉक्स में बस कुछ बेसिक एसेसरीज है, ज़्यादा मॉड्स नहीं है। तो मॉड्स मैंने अलग से परचेस की है, ये मीडिया मोड है और भी अलग अलग मोड्स मैंने परचेस की है, उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। पहले इस बॉक्स में क्या है देखते। तो ये सी टाइप चार्जिंग केबल है। फिर ये GoPro एंड्यूरो बैटरी है। उसके बाद में ये थंब स्क्रू है और ये दो माउंट्स है और ये हेलमेट के लिए हेलमेट माउंट है। हम अभी इस कैमरा को ओपन करते और यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, इसको जस्ट थोड़ा पुल करके ओपन करना पड़ता है और यहाँ पे डालते हैं ये एंड्यूरो बैटरी।
और इसमें एसडी कार्ड भी डालना पड़ेगा। तो मैंने स्कैंडिस का ये 256 GB का एसडी कार्ड परचेस किया है अमेज़ॉन से, और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे है 5600, पर अमेज़ॉन पे मुझे ये कार्ड 2500 में पड़ा है। तो ये है 256 GB का माइक्रो एसडी कार्ड, अल्ट्रा माइक्रो एसडी, और इस कार्ड को हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो अभी ये कार्ड और बैटरी दोनों अंदर डाला है हमने इसको, और ये कवर को बंद करते, और अभी हम ऑन करेंगे अपना कैमरा। सो फ्रेंड्स, अभी ये कैमरा ऑन हो चुका है, और इसमें बैटरी 16% है। पहले बैटरी पूरा चार्ज करना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम बताता है मेमोरी कार्ड, तो 7 आवर्स 44 मिनट्स। इतना रिकॉर्डिंग अगर मैं करता हूँ, वो भी 5.3 बाय 60 ये रिजोल्यूशन में, तो इतना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पहले हमें गोप्रो क्विक ऐप इसमें अपडेट करना पड़ेगा मोबाइल में, और इसको कनेक्ट करके फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। सो गाइस, इस कैमरा में इनबिल्ट माइक भी आता है, पर क्योंकि मैं आउटडोर व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे ट्रैवल व्लॉग्स है, तो इसके लिए डिस्टरबेंस बहुत रहता है, तो इसलिए मैंने अलग से ये मीडिया मोड लिया है। इसमें तो सिर्फ बस अगर चार्ज करना है तो ये ओपन करना पड़ता है, और एक्सटर्नल माइक के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। और चार्ज अगर करना है तो यहाँ पे ये सी टाइप चार्जर, ये यूएसबी लगाना पड़ता है। तो बस दूसरा और कहीं पे कुछ आउटलेट नहीं है, ना ही माइक के लिए कुछ ऑप्शन है, तो इसलिए मैंने ये मीडिया मोड ये परचेस किया है। सो गाइज, अभी मैंने बाकी सब सामान हटा दिया है, और अभी हम ओपन करेंगे ये मीडिया मोड। तो ये मीडिया मोड के अंदर जाएगा अपना गोप्रो 11। तो एक्चुअली गोप्रो 9, 10 एंड 11 तीनों को सेम मीडिया मोड सपोर्ट करता है। तो चलो अभी इसे ओपन करते हैं। तो ये अभी हमने ओपन किया है, यहाँ पे बॉक्स पे लिखा है 8700, पर ये अमेज़ॉन पे 7500 में आप परचेस कर सकते हो। तो अभी इसे ओपन करते हैं। सो गाइज, ये है मीडिया मोड, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करता है अपने गोप्रो को। और इसके फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इसमें बिल्ट इन डायरेक्शनल माइक है, और विंड सप्रेशन है, ताकि जोर से हवा, अगर बाइक राइड कर रहा हूँ या अगर आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, तो व्लॉगिंग करते वक्त जो मेरी वॉइस इसमें रिकॉर्ड होगी, तो वो उसमें विंड का आवाज़ नहीं रहेगा। प्लस इसमें कोल्ड शू माउंट है यहाँ पे 1 और 2, तो अगर आप एक्सटर्नल लाइट अगर लगाना चाहते हैं, लाइट या माइक, तो यहाँ पे दोनों दो ऑप्शंस दिए हैं। प्लस इसमें 3 mm माइक पोर्ट है, तो आप अगर अलग से माइक यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे है HDMI आउट है, और सी टाइप चार्जिंग है यहाँ पे नीचे। तो अभी कैमरा को इसके अंदर हम फिट करते और देखते कैसे दिखता है। सो गाइज, अभी इसे पहले ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कवर है, थोड़ा नीचे से पुश करके इसको ओपन करना है। तो ये अभी ओपन हो चुका है, और इसके अब अंदर अभी हम डालेंगे गोप्रो 11। तो इसको साइड में रख देते, तो लेते हैं ये अपना गोप्रो 11, पर ये डायरेक्ट इसमें जाएगा नहीं, तो इसका कवर हमें ओपन करना पड़ता है। तो ये कवर ओपन किया हमने, और ये यहाँ से भी निकलता है, ये देखो, ये आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो सी टाइप का जो चार्जिंग आउटलेट है, वो यहाँ पे जाएगा इसके अंदर, ये देखिए ऐसे। वाह, ये तो परफेक्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी लुक्स में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और ये काफ़ी मजबूत है, तो अगर ये हाथ से अगर गिर भी जाए तो ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। प्लस ये माइक है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ये विंड के लिए। तो अभी देखिए, ये अच्छे से अभी पूरा इंस्टॉल हो चुका है, और अभी चार्जिंग के लिए हमें ये कवर ओपन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर माइक लगाना है एक्सटर्नल, तो और एक माइक लगाने के लिए ये यहाँ पे दिया है, और अगर चार्जिंग करना है तो सीधा यहाँ से चार्ज कर सकते। सो फ्रेंड्स, अभी ये मीडिया मोड का एसेसरीज आपको दिखाया मैंने,
और क्या क्या एसेसरीज है वो भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है मेरा ब्लॉगिंग का सेटअप। तो ये हेलमेट, हेलमेट के लिए हेलमेट माउंट है मेरे पास। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक है मेरे पास। ये थंब स्क्रू है, ये अलग अलग माउंट से। ये सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपॉड, तो ये जस्ट एज अ ट्राइपॉड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अगर चाहो तो ये सेल्फी स्टिक पूरा भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे चाहो। इसके ऊपर गोप्रो में माउंट करूँगा और ये व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ईजी है। और फिर उसके बाद चेस्ट माउंट भी है मेरे पास। तो ये है चेस्ट माउंट, तो ये मैं पूरा ऐसे पहन के आपको बता देता हूँ। तो ये है चेस्ट माउंट, तो ये गोप्रो कैमरा यहाँ पे लगा सकता हूँ। और दोनों हाथ फ्री रख के ये मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। प्लस ये यहाँ पे बटन है, ये निकलता है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसे अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो भी कर सकता हूँ। तो अगर राइड कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो ये बहुत ईजी है, हैंड्स फ्री है। मेरे सेल्फी स्टिक पे लगा के बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाला माउंट। तो बस इसको इसके ऊपर लगाना है। ये थंब स्क्रू है। सो फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है। और ये देखें, ये इस ऐसे में इसको लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ और ऐसे बात कर सकता हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसान है। प्लस इसे एज अ ट्राइपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बस यहाँ पे रखना है, इतना इजी है उसके लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया था कि ये मेरे लिए गिफ्ट है, तो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, तो इसके लिए मुझे ये गिफ्ट मिला है।